हीरा मंडी की ग्रैंड सक्सेस के बाद हीरा मंडी 2 की हुई अनाउंसमेंट। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी 2 की अनाउंसमेंट की और साथ ही इसकी कहानी भी शेयर की। इसमें लाहौर से जो लड़कियां फिल्मी दुनिया में आई थी उनकी कहानी बताई जाएगी। रवीना टंडन से हुई मारपीट के मामले में कंगना ने तोड़ी चुप्पी। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले को लेकर लिखा, रवीना टंडन जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है। अगर विरोधी ग्रुप में 5-6 और लोग होते तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता। हम इस तरह के रोड रेज जैसी घटनाओं की निंदा करते हैं। उन लोगों को फटकार लगाई जानी चाहिए। उन लोगों को इस तरह के हिंसक और जहरीले व्यवहार से बचना चाहिए। अपनी हो रही ट्रोलिंग पर फाइनली चुप्पी तोड़ी शर्मिन सेगल ने। रिपोर्टेडली इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने आलमजेब के किरदार के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। हम नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन कई सकारात्मक चीजें भी सामने आई हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। सकारात्मक बातों के बारे में बात करना शायद उतना दिलचस्प नहीं है। हम कुछ हद तक ही उन पर ध्यान देते हैं। नताशा पर हुई सवालों की बारिश। दरअसल डाइवोर्स रूमर्स के बीच नताशा ने अपनी शादी की सारी तस्वीरें रिस्टोर कर ली। अब लोग इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या डाइवोर्स का रूमर सिर्फ एक फर्जी स्टंट था। ऐसे ही कुछ कमेंट्स पर आप भी डालें एक नज़र। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में शिफ्ट हुई अदा शर्मा। अदा ने कहा, ये फ्लैट उन्हें पॉजिटिव वाइब्स देता है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की क्रूज पार्टी से शाहरुख खान का लुक हुआ वायरल। लंबे बालों में दिखा अलग स्टाइल। रिपोर्टेडली सिद्धार्थ रॉय कपूर ने देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन पर फिल्म बनाने की घोषणा की। हालांकि इस पर अभी तक आगे की खबर सामने नहीं आई है। बॉलीवुड नाउ को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिंगर कल्पना गंधर्व ने खुलासा किया कि उन्हें भी ये कंफर्म नहीं पता था कि उनका गाना एक बार देख लीजिए हीरा मंडी सीरीज में उन्हीं की आवाज में रखा जाएगा कि नहीं। रिपोर्टेडली नताशा दलाल को शुरू हुआ लेबर पेन। वरुण ने करवाया उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट। किसी भी समय खुशखबरी आ सकती है सामने। विकी कौशल का नया लुक हुआ वायरल। दिखा स्टाइलिश अवतार।